घोड़े आपस में लड़ाई करते हुए। सो फाइनली फ्रेंड्स, यात्रा स्लिप आ चुकी है। सो अब चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। सो फाइनली गाइस, गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये गाड़ी हमें बांधूंगा पे छोड़ेगी, वहां से अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं यात्रा स्लिप। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी, तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। सो फाइनली डिसाइड हो चुका है, हम घोड़े पे जा रहे हैं। आइए बात करते हैं घोड़े की। हम भी करते हैं, आ जाइए। और ये हमारा सामान आता हुआ एक्सरे मशीन से उठा हुआ, हम जो दो बैग सुपर लेके जा रहे हैं। ये आया हितेश बैग पोड़ दोनों, दूसरा ही पोड़। सो फाइनली वैसे प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली हमारे बैग में लैपटॉप आ गया था, हमें उससे काम करना था। सो अब इन्होंने हमें बोला है कि हम लैपटॉप आगे सबमिट करा के आएंगे, फिर हमें यात्रा से दोबारा यहाँ से मिलेगी, उसका साइन होएंगे कि आपका सामान जमा करा दिया, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। तो अभी रोहन गया वो लैपटॉप सबमिट करवा, हम उसका वेट कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। और यहाँ पे हमारे पीछे पास भी खड़े हुए हैं, ये घोड़ों के लिए पैसों की बात कर रहे हैं कि क्या रेट लगा रहे हैं, ये देखिए। सो फाइनली गाइस, घोड़े हो चुके हैं चार, हम घूमते करके चारों की आइडिया हमें बोल चुके हैं, ये रिंग की चारों की आइडिया। सो लेट्स गो, अब घोड़े में बैठ कर चलते हैं। बोल साचे दरबार की जय। हाय रोहन, कैसा फील हो रहा है? और आकाश भैया कैसा फील हो रहा है? ये मेरे घोड़े वाले भैया, ये और ये मेरा घोड़ा भैया, घोड़ा है घोड़ी घोड़ा घोड़ा चलो। और ये रोहन साथ में आता हुआ मेरे, नया रास्ता उस कोटी से जाता हुआ नीचे तो रास्ता रहने वाला। और ये हमारी रहते हुए और ये हमारे थोड़े रफ्तार पकड़ी है। जय शेरा वाली साचे दरबार की जय। ढोल बज रहे हैं यहाँ पे, बाथिन घाट आता हुआ बांध रहा है। ये देखिए बांध बन रहा है यहाँ पे, ये बाथिन घाट रहा रास्ता है, नीचे रास्ता जा रहा है यहाँ पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। मेन एंट्रेंस ये शुरू हो गई यहाँ से यात्रा। ये देखिए ये हितेश जी आए चलते हुए। हितेश जी कैसा फील हो रहा है पहली बार यात्रा करते हुए? तो इसी बात पे हो जाए जय तारा शेरा वाली साचे दरबार की जय। 11:15 हो चुके हैं और हम यहाँ से निकल चुके हैं। इन्होंने हमें बोला कि हमें 2 घंटे में ऊपर पहुँचा देंगे भवन पे। ये हमने ये आई कार्ड डाला हुआ है। कैसा फील हो रहा है घोड़े पे बैठ के? तो किसी का संभोग का मन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये तीसरा बंदा आया हमारा, ये चौथा आया, हम चारों साथ में बैठे हुए हैं। क्या चाहिए भैया जी आपको? आई कार्ड। इन्होंने हमसे हमारे आई कार्ड ले लीजिए, ये अब जाके हमारे पर्ची कटवाएंगे। ये रोहन, ये हितेश जी गाइस, इन्होंने भी हमें उतारा था 2 मिनट के लिए यहाँ पे, इन्होंने पर्ची कटवाई थी, इन्होंने हमसे यहाँ पे पैसे लिए थे जो हमने चार्जेस इनको बताए थे। तो पर्ची लेने के बाद हम दोबारा आगे चल रहे हैं। ये देखिए रास्ता, यात्री जा भी रहे हैं दर्शन के लिए, यात्री दर्शन के आ भी रहे हैं। ये देखिए टुकुर चलते हुए।
टुपरे 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 हितेश हितेश चेहरा मेरे शीशे नहीं लगे, साइड मिरर नहीं है पीछे तो देखो। जय माता दी जय माता दी। ये देखिए बाथिंग घाट आ चुका है यहाँ पे गीता मंदिर का, और ये यहाँ पे थोड़े पानी पीते हुए ओए आकाश येरा और रोहन भी येरा ओए जय माता दी। अरे मेरा थोड़ा पानी पिया था बेचारा, और ये थोड़ा चुपता हुआ आगे रोहन जा रहा है, आकाश और इतने तो थोड़ा आगे चला गया थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं है सब मिल जाएंगे आगे। जय माता। ये थोड़ा सा आ गया आकाश और हमें दिख रहे हैं हितेश और आकाश, थोड़ा सा ही डिस्टेंस आ गया है, हमने अपने थोड़े वाला बोला कि थोड़ा थोड़े बहुत तेज चलवाएं सो दैट हम उनके बराबर पहुंच जाएं, और वो जा रहे हैं आगे। माता ये देखिए ये आ गया प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका जी। जय माता जय माता जय माता। तो मिल लिए एक किधर रहे अबे, आकाश भाई मिल चुके हैं, हितेश भाई आइए जा चुके हैं, अब हम हितेश भाई को बोल रहे हैं चलिए जय माता दी। आकाश भाई सारे मिल चुके हैं, हितेश हमारे पीछे चल रहा है, ये रोहन चल रहा है, आइए आकाश भाई चल रहे हैं। ये देखिए बंदर, और ये हम आए चलते हुए यहाँ से अक्सर 3 किलोमीटर रह गया है सिर्फ, हम मतलब कि हम 3 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। ये देखिए जहाँ पे भी सीढ़ियाँ शुरू होती है वहाँ पे इनकी लिखी होती है सीढ़ी लेंथ कितनी है, लाइक इसकी 526 है, तो ऐसे ही आ जाते हैं। और ये देखिए ऊपर वार्निंग लिखी हुई है लैंडस्लाइड एरिया है ये, तो यहाँ पर रुकिए मत, कृपया चलते रहें। ये देखिए घोड़े आपस में लड़ाई करते हुए और ये तेज हो गया, अरे बहुत तेज बहुत तेज। आकाश भाई तेरा भाई बैठ है बहुत तेज बहुत तेज। ये देखिए आकाश भाई सबसे आगे, रोहन उसके पीछे, मैं और मेरे पीछे है हितेश। ये देखिए ये आ गया समीर, यहाँ पे सब कुछ मिलता है खाने पीने के लिए। ये देखिए और ये घोड़े को छूते भी निकल रहे हैं हम, देखिए कितने सारे घोड़े, ये देखिए लंगूर। ये इंद्रप्रस्थ भोजनालय है, अरे हाँ राजमा चावल ना, ये रोहन कहें कि राजमा चावल बहुत पसंद है, वो कह रहे हैं राजमा चावल खाने हैं, कोई नहीं अगले स्टॉप पे खिलाएंगे उसे राजमा चावल भी, मतलब होते भी जाएंगे क्योंकि हिमकोटी वाले रास्ते से थोड़े अलाउड नहीं है, इसलिए हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। ये एक नया रास्ता कट चुका है यहाँ से, टोटल ऊपर आएंगे 3 रास्ते हैं, एक जो कटरा से शुरू होता है, दूसरा रास्ता यहाँ से कट जाता है, तीसरा जिससे हम जा रहे हैं ये सबसे पुराना रास्ता है जो सबसे पहले बना था। आइए चलिए ये अथवा ये पीछे से हम जा रहे हैं, छोटा रास्ता घोड़ा गिर दिया हुआ है उस रास्ते से हम निकल रहे हैं,
अर्धकुंवारी मंदिर पीछे रह चुका है थोड़ा सा, बैक साइड से था। आप ये देखिए हम रास्ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर आए जा रहे हैं थोड़ी ठंड बढ़ती जा रही है। नीचे नॉर्मल टेम्परेचर था, अब ऊपर आने के बाद ठंड बढ़ चुकी है और जैसे जैसे ऊपर जाए जा रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है। ये देखिए ये हाथी मत्था ही चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, हाथी मत्था। छोटे छोटे टर्न्स हैं, ये यहाँ से दोबारा टर्न लिया। ये देखिए ये हम हाथी मथा आ चुके हैं, ये रहा बोर्ड हाथी मथा। ये राज भाई आफ्टर द ब्रिज चढ़ते हुए और ये बैठ रहे, आप देख सकते हैं घोड़े कैसे दम निकल चुका है। ऊपर से ताज भाई का भी निकल चुका है, ताज भाई कह रहे घोड़े पे आके थक गया। रोहन का अगला नंबर, रोहन का ये भी चढ़ता हुआ, ये बात। चलो अब दो उंगली दिखाओ, ये अब चलो। और ये मेरा थोड़ा खड़ा हुआ, ये भाई मेरा वेट कर रहे हैं, मैं आया 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 आ गया। ये रास्ता पूरा मैं, हम 6100 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये आ गया चांदी छत, यहाँ से हेलीपैड का रास्ता जाता है, हेलीपैड यहाँ से शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म होता है। कटरा से लेकर हेलीकॉप्टर आते हैं चांदी छत तक और फिर चांदी छत से वापसी कटरा पहुँच जाते हैं। आप इस वजह से भी यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। ये देखिए जा रहा रास्ता हेलीपैड के लिए जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर आने की यहाँ से ऊपर, और ये भवन जा रहा ये तेजी उतरते हुए। यहाँ पे सारे घोड़े रुक जाते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे पैदल जाना पड़ेगा। पेट शॉप है ये, आकाश भी और रोहन यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं। ये स्लिप कट रही है दो। ये मंदिर का एंट्री, यहाँ से एंट्री पे जाने जा रहे हैं। A few moments later. So finally, दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे, हमने खाना भी खा लिया है। अब हम जा रहे हैं रोपवे की तरफ, मेरा बाबा जी के वहाँ जाना है, तो हम रोपवे से जाएंगे। टिकट तो आई है, सो ऐसी टिकट के लिए पर हेड, सो अब यहाँ से रोपवे की लाइन लगी, रोपवे लाइन लगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे, 3 मिनट में हम घर वाले पहुँच जाएंगे बाबा।
सो फाइनली हम भैरव बाबा पहुँच रहे हैं रोपवे के सारे आए थे, अब रोहन ये लाइन में लगा प्रसाद लेने के लिए, तो रोहन प्रसाद लेगा। सो फाइनली गाइस भैरव बाबा दर्शन हो चुके हैं, यहाँ पे हम तब मिले रुक गए थे, आप व्यू देखिए यहाँ पर कितना प्यारा व्यू है, हम भी व्यू देखते हैं इधर देखिए। सो फाइनली अब हम यहाँ चलते हैं कटरा के लिए, आइए चलते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ से हम पैदल निकल चुके हैं, अभी ये पैदल जा रहे हैं, बाकी देखते हैं अगर रास्ते में कुछ हुआ तो बता दें। जय माता दी। छीन लिया भाई मेरा तो फाइनली गाइस जय माता दी। फाइनली गाइस यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है, इट्स 8:30 PM, सो अब निकलते हैं, हमारी गाड़ी हमें लेने आ रही है। जय माता दी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल जो हमें बुक किया है, आइए। सो फाइनली गाइस सब कुछ हो गया है, यहाँ से हम दर्शन करके आ रहे थे आज ही आए थे थोड़ी देर पहले, हमने अभी जस्ट डिनर किया है। सो इट्स 9:47 संडे 31 जनवरी, सो सडनली डिसाइड हो गया, पहले हम सोच रहे थे हम दिल्ली जाएंगे एक ही दिन करेंगे, बट सडनली हम चारों बैठे हुए थे तो मिल के हमने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ से हम सीधा चलते हैं अमृतसर। हार्डली 6 hours का रास्ता है, हमने सोचा नाइट में ही कवर कर लेंगे सो डेट सुबह दरबार साहब के दर्शन कर सके। सो अब यहाँ से निकलते हैं, पैकिंग वगैरह हो गई है, डिनर हमने कर लिया है, हमने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्टे किया था वैष्णो देवी में, यहाँ पर हम पीछे होटल देवी नारायण में, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मेन एंट्रेंस है होटल की, हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी थी, खाना यहाँ पर बहुत ही अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी हमने यहीं किया और इवन जो दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे आए तो हमें डिनर भी बहुत ही अच्छा मिला। सो हम मुझे ड्राइव करते हैं, सो लेट्स मूव, अब हम निकलते हैं यहाँ से अमृतसर के लिए। सो इसी बात पर इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, अमृतसर सब लोग यहाँ तो हम फ्रेश एकदम न्यू स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम पहले ही मैं अमृतसर होके आया था, सो सडनली दोबारा प्लान बन गया तो अब दोबारा जा रहे हैं। सो इसी बात पे यहाँ पे वीडियो करते हैं एंड, होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो, लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन, थैंक यू।